तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी बील राजेश ने जानकारी दी कि 31 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद 1173 से अधिक मामले हो गए हैं। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि उसके राज्य में संक्रमित मरीजों में से 971 को जमात के कार्यक्रम में आए व्यक्तियों के संक्रमण से हुआ है। अभी तक 11 लोगों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 34 नए संक्रमित सामने आने के बाद कोविड 19 संक्रमितों की संख्या 473 हो गई है। अभी तक 10,505 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिसमें से 10,032 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 14 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 7 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस की जंग के बीच आंध्र प्रदेश सरकार जनता का उत्साह बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार ने जागरूकता फैलाने के मकसद से एक गाना लॉन्च किया है। इस गाने को लिखा और गाया प्रसिद्ध कवि जोना विथुला रामा लिंगेश्वरा राव ने है। ये गाना सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में 61 नए मामले आने के साथ ही तेलंगाना में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग 600 हो गई है। तेलंगाना के 28 जिलों में कोरोना वायरस फैल गया है। वायरस से बचने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनजर हैदराबाद शहर को 17 जोन में विभाजित किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की लगातार मदद की जा रही है, साथ ही सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करवाया जा रहा है। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने तमिल भाषाई लोगों को तमिल नववर्ष पर शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने नए साल पर लोगों के जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता की कामना की, साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की कि कोविड 19 से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करें। त्रिवेंद्रम में 24 महिला डॉक्टरों ने बेहद ही सराहनीय कार्य किया है। कोरोना से जंग लड़ती इन डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटी के बाद एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से ये डॉक्टर एकता का संदेश दे रही हैं। आपका मनपसंद न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान अब तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध है। भाषा बदलने के लिए अपने रिमोट पर लैंग्वेज का बटन दबाएं, तमिल या तेलुगु को अपनी पसंदीदा भाषा के तौर पर चुनें और ओके का बटन दबाएं। जी हिंदुस्तान इन सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चैनल देखने में किसी तरह की परेशानी होने पर कृपया अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर को फोन करें या व्हाट्सएप नंबर 8588806221 पर शिकायत भेजें। Your favorite news channel Zee Hindustan is now available in Tamil and Telugu. To switch language, press the language button on your remote. Choose Tamil or Telugu as your preferred language and press OK. Zee Hindustan is available on these platforms. In case of any trouble in viewing the channel, please call your cable or DTH service provider or WhatsApp to 85888-06221. डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति, खबरों की दुनिया में धमाका, सबसे पहले सबसे सटीक, बस एक क्लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया। www.zhindustan.in